सोलन के बसाल हेलीपैड में ड्राइविंग टेस्ट माह में दो बार किया जाता है, जिसमें दो पहिया और चार पहिया वाहन को चलाकर चालकों की कुशलता को जांचा जाता है कि क्या वो वाहन चलाने योग्य है या नहीं। इस टेस्ट के देने के लिए सैकड़ों वाहन बसाल में पहुंचते हैं ताकि वे टेस्ट दे सकें। इसके लिए बकायदा विभाग ने टोकन नंबर भी जारी किए थे, लेकिन सभी चालकों को समय एक ही दिया जाता है, जिसकी वजह से हेलीपैड में वाहनों की संख्या बेहद अधिक हो जाती है। सड़क तंग होने की वजह से भारी जाम भी बसाल गांव में देखने को मिलता है। टेस्ट देने आए नागरिकों को भी तपती धूप में घंटों खड़े रहना पड़ता है, इसलिए टेस्ट देने आए नागरिक चाहते हैं कि विभाग द्वारा व्यवस्थित व्यवस्था की जाए और जहां पर उन्हें टेस्ट के लिए बुलाया जाए वहां बैठने की भी व्यवस्था हो ताकि लोगों को असुविधा ना हो। टेस्ट देने आए युवकों का कहना है कि वे सुबह से ही कतारों में खड़े हैं, लेकिन उनका टेस्ट कितने बजे होगा उन्हें कोई पता नहीं है। उन्होंने कहा कि जब विभाग उन्हें टोकन जारी करता है तो उसमें साथ में समय भी देना चाहिए, तो उस समय के अनुसार उनका टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है और सभी को एक ही समय बुलाया जा रहा है, जिसकी वजह से भारी भीड़ होती है और उन्हें भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अभी ये टेस्ट माह में केवल दो दिन ही हो रहे हैं, जिस तरह से टेस्ट देने वाले नागरिक बेहद अधिक हैं, इसलिए ये टेस्ट माह में तीन या चार बार भी होने चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये नियमानुसार नहीं हो रहा है, सरकार को इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान से रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। दो दो तीन तीन घंटे से खड़े लोग, इतना रश है, सिस्टम को फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो सिस्टम को अगर फॉलो किया जाए और हर दिन एक सिस्टम प्लानिंग के हिसाब से चला जाए तो सब कुछ सही हो सकता है। सुबह 10 बजे के आए हुए, अभी तक 12:30 हो चुके हैं, 2-2.5 घंटे से हम यहीं खड़े हुए हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सिस्टम भी ख़राब होगा इस चक्कर में। तो सरकार को ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। बीजेपी आज के टाइम पे बहुत अच्छे लेवल पे सरकार चला रही है, अच्छे रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रही है, तो उनको ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। लोग 3-3 घंटे से खड़े हैं, ऊपर से कोविड सिचुएशन के टाइम पर अगर ऐसा सब चलेगा तो कैसे चलेगा सब। तो एक सीक्वेंस होनी चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम के हिसाब से चलाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। 3 घंटे हो चुके हैं अभी, और अभी भी लाइन में लगे, अभी पता नहीं कितनी देर लगेगी। नियम ये होने चाहिए कि नंबर दे देना चाहिए इनको, टोकन नंबर जो डीसी ऑफिस से मिलता है या नीचे से जो देते हैं, मतलब फाइल में दे भी रखा है मेरे पे, लेकिन उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब इंतज़ार के सिवा।